चीफ सेक्रेटरी, डीजी, सारे अधिकारियों को यहां बुला करके 3 बजे के बाद में स्वयं ने बटन दबा करके जसवंत सिंह जी को हराया था। जसवंत सिंह जी नहीं हारे, ये मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं, और मेरे साथ बैठे हुए गांव ढाणी के लोग भी यही बात कहते हैं। जिस प्रकार से स्वाभिमान को दबाया गया, उसी से स्वाभिमान वापस दुगनी गति से सामने उभर करके आया। आज वही स्वाभिमान 36 कोम में है, वही दर्द दुगनी ताकत के सामने सामने खड़ा है। हमारी बाड़मेर की जनता के साथ क्या हुआ, हमारे साथ क्या हुआ, हम सब अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन पूरे देश में, पूरे राजस्थान में सभी जगह लोगों के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ किया गया। ये स्वाभिमान रैली, सामने जो बोर्ड लगा हुआ है, ये जब पोस्टर नेट पर पहुंचे तो सबको, सब जगह से क्रिया प्रतिक्रियाएं आई, और क्या साहब ये स्वाभिमान वाली बात बहुत बढ़िया है, और इस रैली में तो हम भी आएंगे। जिसने सुना, जिन लोगों में स्वाभिमान है, वो चाहे जिले के हो या ना हो, स्टेट के हो ना हो, सभी लोग यहां पर उमड़ पड़ेंगे। मेरा आप सब भाइयों से एक ही निवेदन है कि 22 तारीख को हम कोई पीछे न रह जाए, हम उसके साक्षी बनने से कहीं पीछे न रह जाए, ऐसी गलती कभी मत करना। ये कोई एक जात की बात नहीं। परसों हम बालोतरा में एक कार्यकर्ताओं की मीटिंग के बाद में, स्वाभिमान की रैली की तैयारी के बाद में बैठे थे, तो महेंद्र जी झाबक जो हमारे साथ हिंगलाज यात्रा में थे, वो भी मिले, और उन्होंने बात की, साहब ये तो सिर्फ राजपूत जाति की बात है। मैंने कहा नहीं साहब, ये 36 कौम की बात है, सभी लोगों की बात है, सभी के, सभी वर्ग की बात है, सभी व्यापारी वगैरह जो भी है, सभी की बात है, जिनमें स्वाभिमान है, जो स्वाभिमान से जीना चाहते हैं, जो स्वाभिमान से राजनीति करना चाहते हैं, जो स्वाभिमान से अपनी आवाज उठाना चाहते हैं, जो स्वाभिमान से प्रजातंत्र में किसी प्रकार से नेतृत्व करना चाहते हैं, उन सब के लिए ये रैली है। और आप सभी भाइयों से निवेदन है कि आप सब आए। बड़े खुश हुए, उन्होंने खुशी जाहिर की, और ये तो बहुत अच्छी बात है, हम भी आएंगे। मेरा आपसे ये निवेदन है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जिस प्रकार से अभी दिमाग चढ़ा हुआ है, उसको आप और राजस्थान की जनता जब बताएगी स्वाभिमान रैली में आकर के, तब इनको दिमाग ठिकाने आएगा। मैं माननीय चित्रा सिंह जी से निवेदन करता हूं कि इस आवाज के लिए पूरे राजस्थान में कोई बोलने वाला नहीं था। आपने, माननीय मानवेंद्र सिंह जी ने इस आवाज को उठाया, सब हम आपके बहुत आभारी हैं। आपने नेतृत्व किया है और नेतृत्व की जरूरत है, और हम सब आपके साथ हैं, 36 कौम आपके साथ हैं। आप इसी प्रकार मार्गदर्शन करते रहिए, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। 22 तारीख को सभी लोग हम उमड़ पड़ेंगे, और आप भाइयों से यही निवेदन है कि अपने कोई भी भाई पीछे नहीं रहे, कोई भी जात पीछे नहीं रहे, सभी लोग जो स्वाभिमानी है वहाँ अवश्य पहुँचे। मैं अपने थोड़े शब्दों में ही बात को समाप्त करना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। उम्र के इस पड़ाव में भी स्वाभिमान सम्मेलन के लिए अपना सब कुछ झोंकने वाले ये थे बाड़मेर नगर परिषद के पूर्व सभापति आदरणीय बलराम जी प्रजापत साहब। जोरदार तालियां एक बार बलराम जी प्रजापत के लिए। कार्यक्रम की अंतिम कड़ी से पूर्व एक ऐसे वक्ता को मैं आवाज देना चाहूंगा जिनका 3 दिन पहले अहमदाबाद के अपोलो हॉस्पिटल में हार्ट का ऑपरेशन हुआ। तब उनको डॉक्टर ने कहा कि आपको अपोलो हॉस्पिटल में रहकर रेस्ट करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मैंने 4 साल तक संघर्ष किया है, 4 साल तक मैंने धैर्य रखा है, लेकिन अब मुझे आराम की नहीं, मुझे अपने क्षेत्र में जाकर उस स्वाभिमान रैली के लिए संघर्ष करने की जरूरत है। और अभी 3 दिन पूर्व जिनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ और आज हमारे बीच में इस सभा के अंदर पहुंचे कैप्टन हीर सिंह जी भाटी के लिए एक बार जोरदार तालियां मंच पर आग्रह कर रहा हूं कैप्टन हीर सिंह जी भाटी साहब को।
धन्यवाद सोडा साहब। और मल्लीनाथ की ये तपोभूमि पर स्वाभिमानी रैली का हमारे आदरणीय जसोल परिवार की चित्रा सिंह जी 36 कौम के प्रभुत पदाधिकारी सेनापति इस मंच पर विराजमान। अभी सोडा साहब कह रहे थे कि ऑपरेशन डॉक्टर ने मुझे ये जरूर कहा कि आप 15 दिन की रेस्ट करना। मैंने डॉक्टर साहब को ये कहा, डॉक्टर साहब मुझे जल्दी छुट्टी दे दो, मैं बाड़मेर जाना चाहता हूं। और डॉक्टर साहब ने मेरा आग्रह सुन लिया, मुझे शायद 1-2 दिन पहले ही छुट्टी दे दी। मैं आ गया, आने के बाद में मुझे बिल्कुल चैन नहीं हो रहा है, ये कब आएगी 22 तारीख, कब आएगी? जग गए हैं ये 36 को स्वाभिमानी, उठो जगाओ, नहीं जागे उनको, और पहुंच जाओ। थोड़ा सा बोलूंगा, पहुंच जाओ उस धरती पर जहां उस व्यक्ति ने जन्म लिया है और आज वो कोमा में है। उनकी दिल की शांति जिस दिन मिलेगी, आप 22 तारीख को हुमर 36 कौम का वहां जलवा होगा। ये बाड़मेर के निवासियों, ऐसा ना हो जो कि अदर स्टेट से आ रहे, बिहार से आ रहे हैं, सब वक्ताओं ने बताया आपको, कोई ऐसी हिंदुस्तान में स्टेट नहीं है वहां से लोग जो नहीं आ रहे अपने साधन से, कहीं वो हमारे संख्या से ज्यादा ना हो जाए, हमें ओलंपो नहीं दे। इसलिए आप अपनी तैयारी करके किस साधन से जाओगे वो अपना रथ तैयार कर लो और वहां जाना है। मैं इस विषय में ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, जिनको सुनना है वो यहां विराजमान है, मार्गदर्शन करेंगे, हमें जगाया है 36 कौम को। अब जसवंत सिंह जी के परिवार की क्या तारीफ करें, क्या तारीफ करें, किस किस तरीके का काम किया है। एक उदाहरण मैं थोड़ा सा दे रहा हूं, बाकी तो मैं नहीं बताऊंगा। अब जैसे ब्रॉड गेज का है, हरिके का पानी का है, एम्स जो आया है, मैंने अपना चेकिंग करा मेरी वाइफ का, 400 रुपये में आपकी जांच हो गई। और वो काम किसने किया, वो जसवंत सिंह जी ने किया। कैसे लोग थे उनके साथी, किसका नाम ले, अटल जी का ले, आडवाणी जी का ले, जज फर्नांडिस का ले या जसवंत का ले, वैसे ही वैसे उनकी परिवार हैं जो कि आपके सामने ये पतुर्वत बैठी है। चित्रा सिंह जी ये आपके आवाज के साथ में हैं। तो इसलिए मैं काले जैसलमेर में मेरा मन है 8 जगह जाने का। अभी ज्यादा तो बोलने में मेरी क्षमता नहीं है और मन तो ऐसा कर रहा है पता नहीं, लेकिन ज्यादा नहीं बोलूंगा, मुझे मना कर रहे हैं, ये परिवार भी ये कह रहे हैं कि आपको ज्यादा नहीं बोलना है, बैठना ही है। तो जिस दिन जो मैं आपको भाइयों को बोला, मेरे पिता जो बुजुर्ग बैठे हैं, मीडिया के बैठे हैं, जिस दिन अगर मौत आई होगी उस दिन जो है दाना पानी नहीं है तो हो जाएगा, कोई बात नहीं है। तो इसलिए मैं आपसे फिर भी अपील करता हूं
सबकी ओर से, सब समाज की ओर से कि आप ज्यादा से ज्यादा उस जगह जो है पांच पदरे की भूमि पर जहां जसवंत सिंह जी का गढ़ है वहां पर जो है सबक सिखाना है। यही मैं आपसे निवेदन करके अपनी बोली को विराम देता हूं। जय भारत, जय